हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ। अगर आप बीएससी नर्सिंग में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। हो सकता है आप वो गलती करने जा रहे हो जो गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं एंड अपना फ्यूचर खराब कर लेते हैं उस वजह से। इसीलिए अगर आप लोगों का प्लान है कि आप लोग बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो गवर्नमेंट कॉलेज से या प्राइवेट कॉलेज से, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को कौन से बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहिए, आप लोगों को बीएससी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेते टाइम किन किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो आपका पूरा करियर बर्बाद भी कर सकती हैं और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपका करियर एक ब्राइट भी बना सकती है। आप लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस खोल देंगे, एक वाइड ऑप्शंस आप लोगों के पास बन के आएगा। तो एक सिंपल सी चीज है, आप लोगों ने एम्स नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, नहीं सिलेक्शन हुआ। आप लोगों ने स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दिया है, नहीं सिलेक्शन हुआ। लोग प्लान कर रहे हैं कि मुझे किसी प्राइवेट कॉलेज में या किसी भी दूसरे एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, प्राइवेट में जाना है, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। मैंने लास्ट वीडियो बनाया था आप लोगों को, उस वीडियो से आप लोगों को बहुत क्लैरिटी मिल चुका होगा कि नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए एम्स इज नॉट एवरीथिंग। सिर्फ एम्स ही एक ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक 4 ईयर की बीएससी नर्सिंग की डिग्री चाहिए, लेकिन वो डिग्री के पीछे भी कुछ ना कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान रखना है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज मैं आपको बताती हूँ कि भाई जो हमारा 4 ईयर का बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है, एक 4 ईयर का कोर्स होता है जो कि कोई भी कर सकती है, गर्ल स्टूडेंट या बॉयज स्टूडेंट आफ्टर 12th। मैक्सिमम जो होता है ये गर्ल स्टूडेंट्स के लिए होता है, बट यस देर आर सो मेनी कॉलेजेस जहाँ पे बॉयज भी इस बीएससी नर्सिंग 4 ईयर कोर्स को कर सकते हैं। अब बीएससी नर्सिंग आप किसी भी कॉलेज से करें, आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं या फिर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर। लेकिन मैटर क्या करता है कि आप लोगों का चॉइस, आपने जो कॉलेज सेलेक्ट किया है उसको किस बेसिस पे सेलेक्ट किया। अब किस बेसिस पे आप सेलेक्ट करोगे, सिलेक्शन का आपका प्रोसीजर होना चाहिए INC। अब ये INC क्या है, व्हाट इज INC हियर, INC इज इंडियन नर्सिंग काउंसिल, दिस इज इंडियन नर्सिंग काउंसिल। INC एक गवर्नमेंट कमेटी है जो आपके जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस होते हैं उन सभी नर्सिंग कॉलेजेस को एक अप्रूवल देता है, यस दिस इज द कॉलेज जो कि INC के थ्रू अप्रूव है। INC की एक प्रॉपर गाइडलाइंस होती है कि आप लोगों के पास किसी भी कॉलेज को INC अप्रूवल कब देगा, जब उसके पास एक प्रॉपर हॉस्पिटल होगा, वहां पे प्रॉपर लैब होगा, वहां पे आपका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसका, वहां पे प्रॉपर लाइब्रेरी होगा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वहां पे आपका जो फैकल्टी होंगे वो वेल एजुकेटेड एंड प्रॉपर ऑथेंटिक फैकल्टीज होंगे। अगर ये सारी गाइडलाइंस कोई भी नर्सिंग कॉलेज फॉलो करता है तो उस कॉलेज को INC अप्रूवल दे देता है। अब INC के थ्रू अप्रूवल मिलने के बाद अगर आप लोग किसी ऐसे कॉलेज से एडमिशन ले रहे हैं जो कि INC के थ्रू अप्रूव रहे, तो उस कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप लोग कोई भी नर्सिंग की जो स्टेट वैकेंसीज आती है आप उन पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है आप वहां पे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे जा सकते हैं। इवन आप अब्रॉड में भी बीएससी नर्सिंग करने के बाद वहां पे भी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे जा सकते हैं। तब अगर आपने एक ऐसे कॉलेज से बीएससी नर्सिंग किया है जो कि INC के थ्रू अप्रूव। अब नेक्स्ट चीज आता है, अगर आपने किसी ऐसे कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर जो INC के थ्रू अप्रूव नहीं है, जिसको सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूवल मिला हुआ है, तो आप सिर्फ और सिर्फ जो स्टेट वैकेंसीज आती है आप सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एलिजिबल हो।
स्टेट वैकेंसी स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल या स्टेट प्राइवेट हॉस्पिटल आप सिर्फ वहीं पे लिमिटेड रह जाएंगे। आप ऑल ओवर द इंडिया आप लोगों के लिए ऑप्शंस ओपन नहीं रहेंगे। अगर आप ऑल ओवर द इंडिया अपने सारे ऑप्शंस को ओपन रखना चाहते हैं सो वी हैव द ओनली सोर्स कि आप लोगों को INC के थ्रू अप्रूवल कॉलेज में ही एडमिशन लेना। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब नेक्स्ट चीज, आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि दी INC के थ्रू कॉलेज अप्रूव है नहीं है, ये हमको कैसे पता चलेगा, या फिर मैंने अभी तक ये चीज सेलेक्ट नहीं किया है कि मुझे कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, तो मैं कैसे पता करूं कि दीज आर द लिस्ट ऑफ INC कॉलेज, INC अप्रूव कॉलेज, और इनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है ना, INC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। मैं आप लोग को खोल के दिखा रही हूँ, आप लोगों को मैं यहाँ पे प्रॉपर बता रही हूँ, जस्ट हैव अ लुक हियर। यस, ये INC की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप गूगल सर्च करेंगे आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। दिस इज योर INC का ऑफिशियल वेबसाइट। इसके ऊपर आपको प्रॉपर लिस्ट मिल जाएगा कि दीज आर द कॉलेजेस जिनको INC ने अप्रूवल दिया हुआ है। आप वहां से देख भी सकते हैं कि कौन सा गवर्नमेंट है कौन सा प्राइवेट है। गवर्नमेंट के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको कोई पर्टिकुलर, जैसे आप वेस्ट बंगाल का कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट, तो आपको वेस्ट बंगाल का स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट कर रहे हैं तो प्राइवेट की अपनी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 12th स्कोर, या आपका स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में मिनिमम स्कोर आया है, वो उस वहां पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है। ये ठीक है। अब यहाँ पे आप लिस्ट कहाँ पे चेक करोगे, आप इधर आओगे, लेट्स हैव अ लुक हियर। ये आ गया आपका नर्सिंग कॉलेजेस का लिस्ट। यस, लिस्ट ऑफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल। आप यहाँ पे आए, लिस्ट ऑफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आए, तो यहाँ पे आपको ये सारा का सारा काउंसलिंग काउंसिल का एक एड्रेस और एक नंबर, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। बट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ लिस्ट। तो लिस्ट आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, दिस इज नर्सिंग प्रोग्राम, नर्सिंग प्रोग्राम। ये थोड़ा सा ओपन होने में टाइम है। हाँ, ये इनकी कुछ गाइडलाइंस है। देखो पहले मैं आप लोगों को ये गाइडलाइंस दिखा दे रही हूँ, यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं कि भाई जो फॉलोइंग एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन एलिजिबल टू गिव अप BSc नर्सिंग कॉलेज, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडी भी हो सकते हैं। रजिस्टर्ड होने चाहिए प्राइवेट या पब्लिक ट्रस्ट के थ्रू। ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड होने चाहिए सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट IMO के थ्रू। ये सारी चीजें हो गया। एंड इसके अंदर आप लोगों का कॉलेज के पास खुद का पैरेंट हॉस्पिटल होना चाहिए। कोई भी नर्सिंग इंस्टीट्यूशन उसके पास खुद का हॉस्पिटल होगा तभी उसको मिलेगा अप्रूवल INC के थ्रू। ठीक है, उसका एक प्रॉपर लाइक अगर वहां पे कोई भी रीस्टार्ट करना है नर्सिंग प्रोग्राम, क्लोजिंग करना है, तो INC ही उसको देगा। INC रेगुलर इंस्पेक्शंस करता रहता है। अगर आपको सीट्स इंप्रूव करना है कॉलेजेस के अंदर तो वो भी आपका INC ही यहाँ पे अप्रूव करके देता है। मैक्सिमम जो है 100 सीट्स होती है पूरा BSc नर्सिंग प्रोग्राम के अंदर आपका। एंड उसके अटैच जो हॉस्पिटल हो 300 बेड्स का हॉस्पिटल होना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। अब मैं आप लोगों को लिस्ट दिखा रही हूँ यहाँ पे, सो यू कैन सी द लिस्ट हियर। यस, ये रही आपकी प्रॉपर लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको सारे के सारे स्टेट के कॉलेजेस मिल रहे हैं। जैसे सबसे स्टार्टिंग में यू विल सी हियर कि यहाँ पे आपके आंध्र प्रदेश के कुछ कॉलेजेस हैं। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश के कॉलेजेस हैं यहाँ आपके, और इधर आपको देखने के लिए मिलेगा ये कॉलेजेस किस टाइप का है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, वो भी आपको मेंशन मिलेगा। देखो यहाँ पे ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट कॉलेज है, INC के थ्रू अप्रूव है। देखो ये पूरा का पूरा लिस्ट है 2018 और 19 का। सेम लिस्ट आप लोगों को 2024 और 25 या का भी मिल जाएगा, 23 या 24 वाला भी आप देख सकते हैं। ऐसे इस लिस्ट के अंदर
आप लोग जब जाएंगे आपको हर एक स्टेट का, किसी भी स्टेट से, ऑल ओवर द इंडिया, टोटल हमारे पास जितने भी कॉलेजेस हैं सारे कॉलेजेस आपको यहाँ पे मेंशन मिलेंगे, हर स्टेट के कॉलेज मिलेंगे, गवर्नमेंट है प्राइवेट है जो भी है सब आपको मिलने वाला है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ आपको उन्हीं कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना है जिन कॉलेजेस के अंदर आप लोगों का, देखो मैं आप लोगों को ये मैंने कहाँ से डाउनलोड किया, ऑफिशियल कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट से किया, आपको मैं वो भी दिखा देती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड हियर। यस, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आपको 2024-25 का देखना है तो आप इधर आएंगे, इसी ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर ही मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगी। तो यहाँ पे एंड में लिख रहा है नर्सिंग इंस्टीट्यूट फॉर द ईयर 2024 एंड 25। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके पास एक पूरा पीडीएफ ओपन होके आएगा। अभी थोड़ा सा वेबसाइट का एरर चल रहा है, 23-24 वाला मैं दिखा दे रही हूँ आपको। ये रहा लिस्ट ऑफ बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस, बीएससी नर्सिंग इंस्टीट्यूट फॉर द ईयर, इस पे आप देख सकते हैं। पूरा लिस्ट आप ले सकते हैं एंड अपना स्टेट वाइज यहाँ से आप डाउनलोड करके रख लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो कि मेरे एरिया के आसपास ये कॉलेजेस हैं और ये सारे आईएनसी के थ्रू अप्रूव है, तो अगर मुझे एडमिशन लेना होगा तो मैं इन्हीं कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लूंगी। सर ये लिस्ट ओपन हो जाए देन आई विल शो यू। ऐसे ही अगर आपको एएनएम देखना, एएनएम हो गया, जीएनएम हो गया, कौन कौन से लिस्ट है टोटल, वो सब आप यहीं से देख सकते हैं। ये देखो ये प्रॉपर आपका लिस्ट बन के आ गया। मैं टोटल आप लोगों को देखो कॉलेजेस बता देती हूँ कि टोटल हमारे पास आईएनसी के थ्रू अप्रूव कितने कॉलेजेस हैं। राइट, 1812 हमारे पास टोटल ऑल ओवर द इंडिया बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस हैं। इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट भी है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी है, लेकिन ये सारे के सारे आईएनसी के थ्रू अप्रूव है। 2023-24 के अंदर जो अप्रूव हुए हैं वो सारे के सारे। और अगर आप ओवरऑल बात करें तो अराउंड 2500 के आसपास हमारे पास नर्सिंग कॉलेजेस हैं। अब देखो सिर्फ 1800 है जो आईएनसी के थ्रू अप्रूव है, तो जो बाकी के बचे हुए कॉलेजेस तो उनके अंदर आपको एडमिशन नहीं लेना है बिकॉज वो आईएनसी के थ्रू अप्रूव नहीं है। अगर आपने बाई चांस वहां से बीएससी नर्सिंग कर लिया तो आप लोगों के ऑप्शन जो है वो काफी बंद हो जाएंगे आप लोगों के पास। आप सिर्फ स्टेट स्टेट सेंट्रल हॉस्पिटल में जाके अप्लाई कर पाएंगे, आप सेंट्रली आप लोगों के पास चांसेस नहीं ओपन होंगे। आप अपना प्रॉपर स्टेट देखें यहाँ से एंड आपको प्राइवेट में जाना है, प्राइवेट में जाए टोटल आप सीट्स भी देख सकते हैं कि कितनी सीट्स आईएनसी ने उसको अप्रूव करके दिया हुआ है। जैसे ये आपके सारे के सारे वेस्ट बंगाल के हैं कॉलेजेस, तो आप यहाँ से वेस्ट बंगाल के देख सकते हैं। और ओके, काफी बड़ी लिस्ट है देखो ये। अब मैं सारे के सारे कॉलेजेस आप लोगों को नहीं दिखा सकती, बट यार मैं आप लोगों को कुछ कुछ स्टेट वाइज दिखा रही हूँ यहाँ पे। जैसे ये आप देख सकते हैं यूपी के कॉलेजेस है, साई कॉलेज है कानपुर के अंदर, ये आपका यूपी का कॉलेज है अगेन ये। तो हर एक स्टेट के सारे आईएनसी के थ्रू अप्रूव कॉलेजेस आपको इस लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। इस लिस्ट का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, सो इफ यू वांट आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको लिस्ट मिल जाएगा। अनलेस आप चाहें तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत बेनिफिशियल होगी एंड जिस मिस्टेक करने से मैं आप लोगों को बचा रही हूँ वो मिस्टेक आप फिर से रिपीट नहीं करो। सो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पे बने रहना है। अगर आप बीएससी नर्सिंग या एएनएम या फिर आप चाहते हैं पीसीबी के अंदर आपके एक अच्छे से अच्छा करियर बन जाए तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे ही चैनल पे मिलने वाली है। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय एवरीवन।